हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 7 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें से 25 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं और 100% करेक्ट आंसर के साथ। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक है? ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये यूनिट है आपका एक्सेलरेशन। जैसे आप जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका 9.81 होता है, तो किसकी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन की यूनिट है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट देख लेते हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो एम्पियर की यूनिट क्या होती है, एम्पियर किसकी यूनिट होती है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट की होती है और इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्ट को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट है, ओम जो है रेजिस्टेंस की यूनिट है, और कूलम जो है आपका ये इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है। ठीक है, तो ये सारे यूनिट्स आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और रिपीट भी हो सकते हैं, तो आप लोग अच्छे से इनको याद कर लीजिए। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने राज्य व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना मेडिसेप शुरू किया है? तो केरल सरकार ने 1 जुलाई 2022 से मेडिसेप योजना शुरू की है। ठीक है, यह राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और उनके पात्र परिवार के सदस्यों के लिए एक चिकित्सा बीमा योजना है, जिसमें जो है प्रतिवर्ष जो है 3 लाख रुपए तक के व्यापक कवरेज के साथ जो है आपको कैशलेस चिकित्सा सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, केरल सरकार द्वारा जो है 1 जुलाई 2022 से मेडिसेप योजना की स्टार्ट जो है किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष का प्रयोग खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इन मेट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट द मोस्ट कॉमन यूनिट्स, जो ज़्यादातर हम यूनिट यूज करते हैं दूरी की, यह है आपका मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर्स और किलोमीटर। ठीक है, ये सारे जो है हम लोग यूज करते हैं, लेकिन ये प्रकाश वर्ष जो है आपका ये खगोलीय दूरी को मेजरमेंट करने के काम में आता है, तो ये भी एक प्रकार की दूरी का ही मात्रक है। ठीक है, द टाइप ऑफ कोल दैट इज यूज मेनली फॉर कॉमर्शियल यूज़। ठीक है, मुख्य रूप से वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपयोग किए जाने कोयले का प्रयोग के मतलब, तो मुख्य रूप से वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपयोग किए जाने वाले कोयले का प्रकार क्या है? तो ये है आपका बिटुमिनस। ठीक है, आपका एक होता है एंथ्रोसाइट, फिर आता है बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट होता है, फिर पीट होता है। ठीक है, एंथ्रोसाइट एक नंबर का कोयला है, सबसे बेहतरीन कोयला जो एंथ्रोसाइट है, बिटुमिनस सेकेंड नंबर पर आता है। ठीक है, पीट सबसे बेकार कोयला जो होता है वो पीट होता है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे इसका सीक्वेंस कौन बेहतर होता है और कौन खराब होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बिटुमिनस कोयला। नेक्स्ट क्या, इन विच ईयर वाज द वोटिंग एज रिड्यूस्ड 21 से 18 इन इंडिया? ठीक है, भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष की गई है? ठीक है, तो 61वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत जो है 1989 के द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने की न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, और ये जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1989 में। ठीक है, तो अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था, अनुच्छेद 326 जो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि कोरम, आवश्यक कोरम क्या है? ठीक है, तो 1/10 लोकसभा में बैठक शुरू करने के लिए कम से कम 10वें सदस्यों की उपस्थिति जो है आवश्यक होती है, इसे जो है कोरम कहा जाता है। यदि लोकसभा का कोई सदस्य लगातार 60 दिनों तक अध्यक्ष को सूचित किए बिना अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट को जो है रिक्त घोषित कर दी जाती है, तो ये कोरम आपका क्या है, 1/10। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वर्ष 2022 में दिल्ली के नए उपराज्यपाल के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये जो है वी के सक्सेना यानी विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का जो है नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। कब, 2022 में। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर फोकस किया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना में पीसी महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया था। इस योजना के अनुसार क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकरण था। ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग पूछा जा रहा था, पंचवर्षीय योजना जो है आप लोग देख के जाइए। राजेंद्र प्रथम व राजा प्रथम किस राजवंश के शासक थे? तो ये चोल राजवंश के जो है शासक थे, और चोल राजवंश कुछ इंपॉर्टेंट शासक देख लेते हैं, तो विजयालय, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र सेकेंड और राजेंद्र थर्ड, फिर राजराजा चोल प्रथम, आदित्य, गंधरादित्य और परांतका प्रथम व परांतका द्वितीय, ये सारे जो है चोल राजवंश के छा सकते हैं। यहाँ पे देखिए CPCL का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया, तो चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। CPCL इज ए सब्सिडियरी ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन विच इज़ अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आता है CPCL। ठीक है, वर्ष 2009 में किस तबला वादक को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ग्रैमी अवार्ड से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जाकिर हुसैन।
1988 में इनको पद्मश्री मिला और 2002 में पद्म भूषण जो है इनको दिया गया है। जाकिर हुसैन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में मरियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC वुमेन अंडर 19 वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ये जो है ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण है जो है, जिसमें 16 टीमें शामिल होंगी। यह टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका में जो है 14 से 29 जनवरी 2023 तक खेला जाएगा। ठीक है, तो ये जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साउथ अफ्रीका। और वर्ल्ड कप में कप्तानी भारत की महिला सीनियर टीम की ओपनर जो है सैफाली वर्मा जो है इस टीम की कप्तानी करेंगी भारत की तरफ से। नेक्स्ट, हु इज़ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 2022? भारत का वर्तमान महान्यायाधी कौन है? तो भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमन हैं और उन्हें 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। यह जो है भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस नंबर के हैं, और 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वंश जो है कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं हुआ था? ठीक है, तो जो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुए थे वो दल गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल राजवंश थे। ठीक है, कौन सा नहीं शामिल हुआ था, वो जो है आपका कंबोडिया डायनेस्टी एक ऑप्शन में था आपका, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं हुआ था। नेक्स्ट, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा स्थान नर्तकी यानी रेजिडेंट डांसर की उपाधि निम्नलिखित प्रमुख नर्तकियों में से किसे प्रदान किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति। एक और शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये जो है किससे संबंधित है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है, ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्या है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका आपका एलन डेनेल्यू हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स मिल। ठीक है, ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया होगा तो जेम्स मिल हो जाएगा, और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो जाएगा तो ये जो है एलन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, महाकाव्य मणिमेघलई शिल्पाधिकारम की एक शाखा है और ये किससे संबंधित है? तो ये जो है महाकाव्य शिल्पाधिकारम से कोवलन और माधवी की बेटी मणिमेघलई की कहानी है, और मणिमेघलई बौद्ध धनन बन जाती है और जो है वो बौद्ध सिद्धांत का प्रचार करती है, तो इसका ये जो है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मणिमेघलई की कहानी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रसिद्ध नृत्यांगना टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो ये जो है भरतनाट्यम इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, भारत ने ओलंपिक में किस वर्ष कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीता था? ठीक है, तो भारत किस किस वर्ष स्वर्ण पदक जीता था? तो भारतीय हॉकी टीम ने एम्स्टर्डम 1928, लॉस एंजलिस 1932, बर्लिन 1936, लंदन 1948 और हेलसिंकी 1952 और मेलबर्न 1956 में जो है गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। ठीक है, तो इनमें से 3 ऑप्शन आपको दिया गया था और एक ऑप्शन था 1960। ठीक, तो भारतीय हॉकी टीम ने क्या 1960 में इटली में हुए ओलंपिक खेलों में भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था और देश को पहली बार हॉकी के खेल में रजत पदक से जो है संतोष करना पड़ा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1960 में उसको जो है पदक नहीं मिला था। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे 7 दिसंबर को जो है फर्स्ट शिफ्ट में, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।